Hello students, welcome to Saurabh sir's classes. Saurabh sir ke class mein aap sabhi ka swagat hai. To aaj ke is video mein main kya discuss karne wala aapko bata dun, to aaj ke is video mein main aapko UGC net ke economics ke paper 3 ke kuch past years ke questions discuss karne wala hun. To main UGC net ke मैं यूजीसी नेट के पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आज आपके सामने करने वाला हूं. तो क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ यूजीसी नेट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी यूजीसी नेट इको के छात्रों के लिए. जो लोग एस्पायर कर रहे हैं उसमें जाने का, ये बहुत एक VVIB जैसे मैं कहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए. क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन देंगे. अब आप सोच रहे हैं कि MCQ है तो फुल सॉल्यूशन कहाँ से, एक्सप्लेनेशन के साथ फुल सॉल्यूशन हम देते हैं. क्योंकि वी बिलीव टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे एग्जाम्स में, क्योंकि कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, कुछ अननोन प्रश्न होते हैं. अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप उस प्रश्न को क्रैक कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ज़रूरी वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और समझिए. तो चलिए शुरू करते हैं. अपना पहला प्रश्न वो है, फॉर अ लार्ज ट्रेडिंग कंट्री द ऑप्शनल तारीफ आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रपोजिशन दैट अ तारीफ ऑन इम्पोर्ट्स lowers the country's terms of trade, improves the country's terms of trade, leaves the country's terms of trade unchanged or fails to protect the import competing industry. यानी कि ऑप्शनल तारीफ आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या करता है, वो कंट्री के टर्म ऑफ ट्रेड को कमज़ोर कर देता है या बेहतर कर देता है, कुछ नहीं करता है, या वो इम्पोर्ट कम्पीटिंग इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है. तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में अगर बात करें हम, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड करता क्या है कि तारीफ जब लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करता है. व्हेन तारीफ इज इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट लिव, तारीफ ऑन इम्पोर्ट लीड्स टू इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड डिक्रीज इम्पोर्ट. तो इसमें डिक्रीज इम्पोर्ट का तो ऑप्शन नहीं है, बट इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड का एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन बी है. तो यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सही उत्तर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा है, इन 1971 द कोलैप्स ऑफ ब्रिटन वुड सिस्टम वॉज लार्जली ड्यू टू. अब देखिए ब्रिटन वुड सिस्टम क्या था, यहाँ पे वो करेंसी सिस्टम का जो था उसे हम ब्रिटन वुड सिस्टम कहते हैं. करेंसी वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ करेंसी वगैरह के बारे में. तो 1971 में हुआ था ब्रिटन वुड सिस्टम वॉज लार्ज कोलैप्स, मतलब ब्रिटन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया था गोल्ड सिस्टम वगैरह. ये क्यों हुआ था? ये हुआ था ड्यू टू फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, राइज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, फेलियर टू मैनेज इंटरनेशनल लिक्विडिटी और सरप्लस कंट्रीज नॉट रिवैल्यू एंड डेफिशिट कंट्रीज नॉट डिवैल्यू देयर करेंसीज. तो ब्रिटन वुड सिस्टम जो था उसके बारे में थोड़ा सा एक जिस्ट आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि द ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ मनीटरी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश द रूल्स फॉर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस विथ और अमॉन्ग US, कैनेडा, वेस्टर्न यूरोप ऑस्ट्रेलिया
जापान इन द मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी द ब्रेटन वुड सिस्टम, द ब्रेटन वुड सिस्टम was the first example of a fully negotiated monetary order intended to govern monetary relations among independent nation states. और इसका फेलियर हुआ था क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंट्रीज थे वो अपने करेंसी को रिवैल्यू नहीं करते थे और जो डेफिसिट कंट्रीज थे वो अपने करेंसी को डीवैल्यू नहीं करते थे, तो इसका सही कारण था. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8. माफ करिएगा, प्रश्न नंबर 9. व्हेन वाज मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इश्यू अडॉप्टेड इन इंडिया. अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये प्रश्न है. तो पहले समझना पड़ेगा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये है क्या. ये जो है ये सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी, करेंसी लायबिलिटी है, यानी कि करेंसी जो इशू की जाती है RBI की तरफ से, वो जो है वो करेंसी होल्डर को पे करनी पड़ती है करेंसी नोट्स में. तो जैसे कि ये एक टाइप का, एक कहा जा सके कि एक रिजर्वेशन सिस्टम था, मतलब रिफर्स टू द रिजर्व्स के बाय द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट इस करेंसी लायबिलिटी. ओके, कह सकते हैं इट्स अ रिजर्व केप्ट बाय RBI अगेंस्ट करेंसी लायबिलिटी. और इसे लागू कब किया गया था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसे लागू किया गया था 1956 में. तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ. तो जो अगला प्रश्न है हमारा, वो मैं लिखना चाहूँगा उस प्रश्न को. वो प्रश्न है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज stands for marginal productivity of some persons is चार ऑप्शंस जो है वो है 0, ग्रेटर देन 0, हाई या यूनिटी. चार ऑप्शंस हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो मार्जिनल, कुछ लोगों के यानी कुछ लेबर्स के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या होता है, 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, या हाई होता है, या यूनिटी होता है. तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि वो जैसे कि कोई फार्मर्स के फैमिली में
क्या होता है कि एक ही फैमिली से बहुत लोग जाके काम करते हैं उस फार्मर में, उस प्लॉट पे, जो एक बंदे से भी हो सकता है वही काम दो या तीन बंदे करते हैं। तो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न था। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे पास्ट टेस्ट के पेपर्स किए, तो आई होप आपको पास्ट टेस्ट के पेपर समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें। हमारा नंबर है 9836793076। इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.sorvedsirclasses.com पे जाएं और हमारे वेबसाइट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। और इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स।